السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آل أصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. मोहतरम शामीन इकराम, आज का जो मेरा मौजू बयां है कयामत की निशानियां। तो मोहतरम शामीन इकराम, अभी अभी आपके सामने खुतबाए मशमूर के बाद कयामत के ताल्लुक से कुरान मजीद की चंद मुंतखब आयतें पढ़ी गई हैं, जिनका तर्जमा यह है कि اقترب للناس حسابهم, लोगों के लिए हिसाब का वक्त करीब आ गया है। मोहतरम शामीन इकराम, आयत करीमा में हिसाब से मुराद यौम हिसाब यानी कयामत का दिन है जो करीब आता जा रहा है। वहुम फी गफलत मुरिजून, फिर भी वह लोग बेखबर में हक से मुँह फेरे हुए हैं। मोहतरम शामीन इकराम, यानी इंसान कयामत की तैयारी से गाफिल, दुनिया की जिन्नतों में गुम और ईमान के तकाजों से बेखबर हैं। एक दूसरे मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं: इन्नहुम यरमूना बाईदा, बेशक ये उस कयामत की उलना क्यों के ओ खुद समझ रहे हैं। वनराहु करीबन, हालांकि हम उसे करीब ही देख रहे हैं। मोहतरम शामिल इकराम, तो क्या ये कयामत का इंतजार कर रहे हैं कि वह इनके पास अचानक आ जाए। फकद ज़ासरातुहा, यकीनन उसकी अता, यकीनन उसकी अलामत निशानियां तो आ चुकी हैं। और सही बुखारी की रवायत में है कि अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: मेरी बेअश्त और कयामत इन दोनों उंगलियों की तरह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वाज़ह कर दिया, जिस तरह एक उंगली दूसरे उंगली से थोड़ी आगे है, इसी तरह कयामत मेरे जरा सा बाद है। मोहतरम शामीन इकराम, मेरे भाइयों, कयामत की निशानियां तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त ही शुरू हो चुकी हैं, लेकिन आज के इस खुतबे में सिर्फ इन निशानियों के बयान किया जाएगा जो हम मौजूदा वक्त में देख रहे हैं। तो मोहतरम शामीन इकराम, हर आने वाला वक्त गुजरे हुए वक्त से बुरा होगा। हजरत जुबैर बिन आदी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु के खिदमत में हाजिर हुए, और जो मुसीबत हज़ाज बिन यूसुफ की तरफ से लायक हुई थी उसकी शिकायत की, तो हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया: सब्र करो, तुम पर ऐसा वक्त आने वाला है जिसमें हर आने वाला दिन तुम्हारे आज से बदतर होगा, हत्ता के तुम अपने रब से जा मिलोगे। ये बात मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। मोहतरम शामीन इकराम, इस हदीस से मालूम होता है कि हर आने वाला वक्त पहले वक्त से बुरा होगा, अलबत्ता कभी उसके उलट भी हो सकता है, जैसा कि हज्जाज बिन यूसुफ के बाद उमर बिन अब्दुल्ला अजीज रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम का अच्छा दौर आया था। लेकिन हदीस अपनी जगह पर हक है, लिहाजा अगर मजमूई तौर पर देखे जाए तो
शायद ही कोई इंसान मौजूद हो। वह वक्त में पहले से बेहतर कहें, वरना सब लोग आज यही कहते हैं कि यहाँ वक्त बेहतर था। मोहतरम शामी निकराम, इल्म का खात्मा हो जाएगा जैसे कि हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत की निशानियों में से यह है कि इल्म उठा लिया जाएगा, जाहिलियत बढ़ जाएगी और शराब पी जाएगी। मोहतरम शामिल इकराम, यहाँ इल्म से मुराद साइंस टेक्नोलॉजी या रियाजी का इल्म नहीं, बल्कि यहाँ मुराद दीनी इल्म है। कयामत के ये निशानी मौजूदा वक्त में देखे जा रही है। आज हर शख्स इस निशानी का जायजा ले सकता है कि इसके घर महल्ले कस्बे शहर और मुल्क में कितने अफराद दीनी तालीम हासिल करने वाले हैं और कितने दुनियावी इल्मों के शहीदा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ तो अभी दीनी तालीम हासिल करने वाले बहुत हैं, उलमाए की कसरत है, दीनी मदारिश की कसरत है, दीनी इल्म कैसे कितनी जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक इसी ही बात एक साहबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ायदा बिन लुबैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कही थी, जैसे कि सही बुखारी की रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी बात का जिक्र हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही उस वक्त होगा जब इल्म उठा लिए जाएगा। हजरत ज़ैद बिन लुबैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसे उठा जाएगा जब कि हम कुरान पढ़ते रहें, अपनी औलाद को कुरान पढ़ाते रहेंगे और वह आगे अपनी औलाद को कुरान पढ़ाएंगे और ये सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ैद तेरी माँ तुझे रोए, मैं तो तुम्हें मदीना के समझदार लोगों में शुमार करता था, क्या ये हकीकत नहीं है कि यहूदी नसारा तो रात और इंजील पढ़ते हैं लेकिन उनमें जो कुछ लिखा है उसमें से किसी चीज पर भी अमल नहीं करते। यानी इल्म उठा जाने का मतलब ये है कि दीनी इल्म पर अमल नहीं किया जाएगा बल्कि बेअमली बढ़े जाएंगे। मोहतरम शामिल इकराम, अगर गौर किया जाए तो इल्म दीन का उठ जाना ही दरअसल बाकी तमाम फितनों के ज़हूर का सबब नजर आता है। मसलन शिर्क व बिदअत, बेइल्मी, झूठ, फरेब, धोखा, वालिदैन की नफरमानी, जाहिलियत, खयानत, बेहयाई, जुल्म व ज़्यादती, यहूदी नशारा के इत्तेबा वगैरह तमाम फितनों का असल सबब इल्म दीन से दूरी है। जैसे जैसे लोग कुरान और हदीस के इल्म से नाशाना होने जा रहे हैं वैसे वैसे लोग गुमराहों और फितनों में मुबतला होते जा रहे हैं। मोहतरम शामी ने कराम, कयामत की निशानियों में से यह है कि शराब को हलाल समझ लिया जाएगा। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत की निशानियों में से इल्म का उठ जाना, जाहिलियत का बढ़ जाना और शराब का पिया जाना। मोहतरम शामी ने कराम, मौजूदा वक्त में कयामत की ये निशानी देखी जा रही है। आज दुनिया भर में हत्या के मुस्लिम मुवालिक में भी शराब नशवी आम हो चुकी है।
और एक हदीस में अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे उम्मत के लोगों शराब का नाम बदल बदल कर पीते हैं। नौजवानों साथियों, जैसा कि आज देखा जा रहा है कि दुकानों पर नाम और शक्ल बदल बदल कर शराब और मुनशियात की बहुत सारी किस्में सस्ते दामों में दस्तयाब हैं, और हमारे नौजवान भाई जो कौम के सबसे कीमती सरमा ये होते हैं, वह उन्हें इस्तेमाल करके अपना रुपया पैसा, अपनी सेहत और जवानी बर्बाद कर रहते हैं। मोहतरम शामिल इकराम, कयामत की निशानियां में से ये भी है कि गाने बजाने का रवाज आम हो जाएगा, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे जो जना, रश्म, शराब और गाने बजाने के आलात को हलाल समझ लेंगे। इस जमाने में कयामत की यह निशानी बिल्कुल वाज़े तौर पर देखी जा रही है। शायद ही कोई घर इस लानत से पाक हो, वरना हर घर बाजा, दुकानों, बशो, गर्ज, हर जगह सरेआम गाने बजाने का रिवाज है। और अब कंप्यूटर और मोबाइल सिर्फ आदमी को मौसीक से बचना बिल्कुल मुश्किल हो चुका है, क्योंकि अगर कोई गाने बजाने के आलात को घर में नहीं रखता तो भी उसके इर्द गिर्द के लोग उसे जबरदस्ती गाना सुनाने पर मजबूर कर देते हैं। मोहतरम शामी निगराम, मुझे मुअज्जज दोस्तों, मौसीकी एक शैतानी काम है जो अजाब अलही का मौजूब है, इसलिए जहां तक हो सके उससे बचने की पूरी कोशिश करें। कयामत की निशानियां में से यह है कि झूठ की कसरत होगी, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत कायम नहीं होगी हत्ता के फतने जाहिर होंगे और झूठ कसरत से बोला जाएगा। मोहतरम शामीन इकराम, आज झूठ मुआशरे में नाशूर की तरह फैल चुका है। दुकानदारी की कोई चीज इस वक्त तक फरोख्त ही नहीं होती जब तक झूठ न बोले। इसी तरह बात बात पर झूठी कस्में खाना लोगों का मामूल बन चुका है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि आज एक मुसलमान झूठी गवाही देने से भी नहीं डरता। हालांकि शरीयत ने झूठे पर लानत की है, इसे जहन्नम में ले जाने वाली चीज कहा है और उसे मुनाफिक की निशानी भी बताई गई है। लिहाजा हर हाल में झूठ से बचना चाहिए और सच्ची राह अपनानी चाहिए। तो मोहतरम शामी निकराम, कयामत की निशानियों में से यह है कि शूद फैल जाएगा, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत करीब हो, सूद खोरी गालिब हो जाएगी। मोहतरम शामी निकराम, आज उम्मत इस्लामिया में सूद फैल कर आम आदत की चीज बन चुकी है। इससे अब न कोई मुसलमान नफरत करता है और न कोई उसका इंजाम सोचता है। पहले सूद खोर एक दो अफराद की सूरत में हुआ करते थे, मगर अब बिनकार की वजह से सूद खोरी इज्तिमाई शक्ल इख्तियार करके है। कितने मुसलमान तो उससे हैं जो अपना सारा काम सूदी कंपनी से करते हैं और समाज में अपने नफा वाली रकमे पर फरोख भी करते हैं। आइए सूद की बदतरीन पर सिर्फ एक हदीस सुने और जायजा लीजिए। सूद का एक दिरहम जिसे आदमी जानने हुए खिला देता है, अल्लाह ताला के नजदीक 36 बार जना करने से भी ज्यादा बुरा अमल है। मोहतरम शामी निकराम,
यह हदीस सुनने के बाद कौन मुसलमान ऐसा होगा जो सूद लेने देने पर तैयार हो? यह वही शख्स कर सकता है जो बिल्कुल अपना ताल्लुक मजहब इस्लाम से न रखता हो। अल्लाह ताला उम्मत मुसलमान को सूद खोरी और बिना के सूदी कारोबार से बचाए। आमीन। मोहतरम शामिन इकराम, कयामत की निशानियां में से ये है कि हलाल व हराम हर जरिए से माल कमाया जाएगा, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर ऐसा वक्त जरूर आएगा कि आदमी कुछ परवाह नहीं करेगा कि उसने जो माल हासिल किया है वह हलाल तरीके से हासिल किया है या हराम तरीके से। तो मोहतरम शामिल इकराम, आज बिल्कुल यही सूरत हाल है कि किसी को हलाल व हराम की परवाह नहीं, बल्कि हर एक को सिर्फ माल व दौलत इकट्ठा करने की फिक्र है। याद रखे कि हराम माल से दिया गया सदका कबूल नहीं होता है, ना इबादत और ना ही कोई दुआ कबूल होती है। मोहतरम शामिल इकराम, हर सिर्फ यही नहीं, यहां तक कि देखा जाता है कि हराम माल से परवरिश पाने वाली औलाद हमेशा अपने वालिदैन की नफरमान होती है, और आज अगर किसी को किसी से शिकायत है तो सबसे ज्यादा अपनी ही औलाद से है। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि हमारी औलाद फरमाबरदार है तो जहां तक हो सके हराम कमाई से बचे। तो मोहतरम शामिल इकराम, कयामत की निशानियां में से यह है कि लोगों में बखीली फैल जाएगी, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमाना करीब हो जाएगा, अम्र कम हो जाएगा और बखीली टाल दी जाएगी। कयामत की यह निशानी भी देखे जा रही है कि लोगों में बखीली और कंजूसी बिल्कुल आम हो चुकी है, हत्ता कि अगर कोई करीबी रिश्तेदार मोहताज हो व जरूरतमंद है तब भी कोई उस पर अपना पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं। और ये भी देखा जाता है कि जो आदमी कंजूसी होता है वह जायज नाजायज तरीके से ज्यादा माल व दौलत इकट्ठा करने की कोशिश में रहता है, इसकी लालच कभी भी पूरी नहीं होती। मोहतरम शामिल इकराम, इस्लाम में बखीली की सख्त मजम्मत की गई है, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बखीली से बच्चों के तुमसे पहले लोगों को बखीली हलाक कर चुकी है। कयामत की निशानियां में से यह है कि परवरिश के साथ बड़ा सलूक किया जाएगा और लोग परवरिश के हुकूक की परवाह नहीं करेंगे, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत कायम नहीं होगी यहाँ तक के बेहयाई और फैशन गोई फैल जाएगी, रिश्तेदारी तोड़ी जाएगी और परवरिश से बड़ा सलूक किया जाएगा। मोहतरम शामिल इकराम, मौजूदा वक्त में कयामत की ये निशानी आम तौर पर देखी जा रही है कि बेहयाई और फैशन गोई इतनी आम हो चुकी है कि सामने वाला सुनकर न गुस्सा होगा न बेमजा, बिल्कुल वह भी उन्हें फैशन कलमात और गालियों से जवाब देगा। पहले बूढ़ों उलमा और असलता को देख कर बच्चे कतरा जाते थे या कम अज़ा कम जुबान बंद कर लेते थे, अब ये एहतराम भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो चुका है। कोई आए या जाए न गाना बंद होगा न गाली बंद होगा। मोहतरम शामी ने इकराम, यह हदीस से मालूम हुआ कि रिश्तेदारी तोड़ना भी कयामत की निशानियों में से है।
ये चीज भी आज मुआशरे में बिल्कुल आम है। जैसा कि देखा जाता है कि भाई भाई में ताल्लुक नहीं होता, हालांकि हदीस के मुताबिक रिश्तेदारी तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। इसी तरह मौजूदा वक्त में कयामत की ये निशानी भी देखी जा रही है कि किसी को अच्छा परवरिश मिले वरना अमूमन उसे ही परवरिश मिलते ही जो झूठी बातों पर लड़ने झगड़ने लगते हैं और अपने कौल व अमले से हमेशा परेशान करते रहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको पड़ोसी की मुसीबत से महफूज रखे, आमीन। कयामत की निशानियों में से यह है कि वक्त जल्दी जल्दी गुजर जाएगा, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत कायम नहीं होगी यहाँ तक के वक्त जल्दी जल्दी गुजरने लगेगा। साल महीने के बराबर हो जाएगा, महीने हफ्ते के बराबर हो जाएगा, हफ्ते दिन के बराबर हो जाएगा और दिन यानी घंटे के बराबर हो जाएगा और साथ आग की चिंगारी के मानिंद हो जाएगा। मोहतरम शामिल इकराम, इस हदीस का एक मतलब तो ही बयान किया गया है कि वक्त इतनी जल्दी से गुजर जाएगा कि एक साल ऐसे ही गुजर जाएगा जैसे अभी एक महीना गुजरा हुआ, और एक महीना ऐसे गुजर जाएगा जैसे लगेगा कि अभी एक हफ्ता गुजरा है, और एक हफ्ता ऐसे ही गुजर जाएगा जैसे लगेगा कि एक दिन गुजरा है, और एक दिन ऐसे गुजर जाएगा ऐसा लगेगा कि एक घंटा गुजरा है, और एक घंटा इतनी तेजी से गुजरेगा जैसे आग से चिंगारी निकलती है और फोक्त खत्म हो जाती है। और इसकी वजह यह भी हो सकती है कि लोगों की मसरूफियात इस कदर बढ़ जाएगी कि पता नहीं चलेगा कि वक्त कैसे गुजर गया और फिर भी कई काम अधूरे और नामुमकिन रह जाते हैं। तो मोहतरम शामिल इकराम, तो दूसरा मतलब यह बयान किया गया है कि दुनिया करीब हो जाएगी, फासले सिमटे आएगी, महीनों का सफर दिनों में और दिनों का सफर घंटों में हुआ करेगा। इसी तरह पूरी दुनिया में आम पैगाम रिसानी का जो काम महीनों पर महदूद होता था, यही काम अब सेकेंडों में हो जाता है। जैसे इंटरनेट के जरिए हम सेकेंडों में अपना पैगाम भेज सकते हैं, कयामत की निशानियां में से यह है कि शिया खिजाब इस्तेमाल किया जाएगा, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिरी जमाने में कुछ लोग बालों को शिया खिजाब के साथ रंगे जाएंगे। ये शियाई काले कबूतर के सीने के मानिंद होगी, ये लोग जन्नत की खुशबू भी ना पा सकेगी। कयामत की ये निशानी भी मौजूदा वक्त में देखे जा रही है कि लोग बालों को झक बालों में काला खजाब लगाते हैं और अपने बुढ़ापे को पहुंचते हैं, हालांकि ये इतना बुरा गुनाह है कि उसका मर्तकब जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। लेकिन ये बात वाज़े रहे कि सफ़ेद वालों को तब्दील करना चाहिए लेकिन काले रंग से बचना चाहिए, यानी मेहंदी वगैरह लगा लेनी चाहिए। जैसा कि फतेह मक्का के दिन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद अबू काफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को लाया गया तो उनके सर और दाढ़ी के बाल इंतहाई सफेद
हो चुकी थी, वजह से यूं महसूस होते थे जैसे सफेद फूल वालों पौधा हो। इस मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सफेद बालों को किसी चीज मेहंदी वगैरह से रंग कर बदले दो और स्याही से बचो। मोहतरम शामिन इकराम, इसी तरह बहुत सारी कयामत की निशानियां जिनको हम मौजूदा वक्त में देख रहे हैं, मसलन नाहल अफराद को अहदा दिया जाता है, दुनिया से मोहब्बत और मौत से नफरत, सर्क की कसरत, जलजले की कसरत, इसी तरह कुरान के जरिया भीख मांगना, अचानक मौत आना, यहूदी नसारी की तकलीद करना, मसाजिद में झगड़े, फितना व फसाद, खवातीन का कारोबार में शरीक होना, दीन को दुनिया की दौलत के बदले बेचाना, लोगों का आपस में अजतनबी बिन जाना, यानी आदमी अपने आदमी को नहीं पहचानेगा, अमानत में खयानत, लिबास के बावजूद औरतों को तंगी दिखाए देना वगैरह। मोहतरम शामिन इकराम, मेरे दीनी भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पेशन गोई और कयामत की निशानियों को देखने के बाद ये एहसास होना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिंदगी बश्र करने की जो तालीमात दी है उन पर अमल पैरा हो और मौजूदा वक्त में अपने दीन व ईमान को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करे। जैसा कि हदीस के अंदर हुक्म दिया गया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के बंदे फितरों के जमाने में साबित कदमे रहना, और ये के आने वाला दिन इस बुरे बुरे फितने लेकर आ रहा है, और जैसे के दिन बदी नशिया बालों की तरह आमते मुसलमान पर फितने अमेड़ते चले आ रहे हैं, हमारे लिए ऐसे वक्त में बेहतर यही होगा क्या हम अल्लाह से डरते रहे और आपने महसन मोहसिन अपने कायदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करे और उनकी सुन्नत को लाजिम पकड़े और हर हाल में ईमान पर साबित कदमे रखे और इस दुनिया की जाहिरी चमक दमक देख कर धोखा न खाए और धोखा खाकर आखिरत का खारा आखिरत का खसारा ना ले। मोहतरम शामिन इकराम, आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि तू हमें जिंदगी और मौत के फितने से महफूज और मामून रख और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रिसालत पर जिंदगी बश्र करने की तौफीक दे, आमीन। और कयामत के दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस शफ़क़त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और फ़क़त अता फरमा, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल लाइव ऑफिशियल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले हर नए नज़म, तकरीर, नात, गज़ल, हमद वगैरह आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। तो बड़ा मेहरबानी होगी कि भाइयों आपकी ही सपोर्टर से हमारे इंशाल्लाह हमारे चैनल आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमारे चैनल आगे बढ़ेगा, तो आप लोग जल्द से जल्द हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। ओके, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।